नमस्कार, मैं अरुण सैनी, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। उत्तराखंड 2022 चुनाव में आज मतदान हो रहा है, लोकतंत्र का महापर्व आज मनाया जा रहा है। लोग यहां पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे किन मुद्दों के आधार पर आज इन्होंने वोट किया है। बेरोजगारी उत्तराखंड में इतनी बढ़ चुकी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमारे प्रदेश में युवा दर दर ठोकरे खा रहा है, पलायन करना पड़ रहा है उसे। और आप देख सकते हैं महंगाई, सिलेंडर देख सकते हैं आप 1000 रुपये कर दिया, पेट्रोल आप मतलब राशन देख लो, खाने का तेल 200 पार कर दिया। तो जनता देख रही है, जनता इसी प्रकार वोट डाल रही है। जनता जो है केंद्र के उस पर वोट नहीं डाल रही है, जैसे कि बड़े नेता आते हैं यहाँ प्रचार करते हैं तो उससे विफल, वो सब विफल साबित हो रहा है उत्तराखंड में। तो देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस बीच में जो जनता महंगाई की मार से, डीजल पेट्रोल महंगा, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई उत्तराखंड में कि उत्तराखंड जो है पहले स्थान पर आ गया बेरोजगारी में। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलो, जिसने अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दी है वो पकौड़े तलेगा। आप हमारे क्षेत्र में ही देख लीजिए, वार्ड 71 में जिस पार्षद की जिम्मेदारी होती है सरकारी भूमि को बचाने की, वो पार्षद ही सरकारी जमीन को बेच रहा है। और इसके लिए हमने 2 बार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया था, महानगर अध्यक्ष ने हमारे, SDM जांच आई थी, उस SDM जांच का भी अभी तक कोई निर्णय, और उसके बाद भी पार्षद जमीन बेच रहा है और उसके ऊपर संरक्षण है भाजपा विधायक का, इसमें कोई कार्य। एक तरफ बोल रहे भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस, और एक तरफ सरकारी जमीन है जो है गरीब मजदूरों को 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपए में जो है बेच दी गई है, जो कि मेडिकल कॉलेज को दी गई थी, जिसका कि खसरा नंबर 464 है, रकबा 0.3600 हेक्टेयर भूमि है वो, जिसमें कि पार्षद ने जो है सारी जमीन खुटमुट कर दी, बेच दी गई है। हमारी मांग है कि पार्षद इसकी न्यायिक जांच करवाई जाए और पार्षद के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। जो मोदी जी ने हमें सपना दिखाया था कि हम अच्छे दिन आएंगे, हमारे तो अच्छे दिन नहीं आए पब्लिक के, लेकिन उनके अच्छे दिन आ गए, समझ। और फिर कोई काम काज ऐसा नहीं हुआ, जो बच्चों की शिक्षा के बारे में पूछो आप तो शिक्षा नष्ट हो गई जब से आए मोदी जी। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं इन पे एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, आपस का भाईचारा नष्ट कर दिया इन्होंने। आपस में जो यार दोस्त बैठ जाते थे मुस्लिम, जब ये देश आज़ाद हुआ था, जब सबने लड़ाई लड़ी थी, खान उद्धव खान सब ने लड़ी थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, इनका कहीं कागजों में भी नाम नहीं था। और ये चाय कौन से स्टेशन पर बेची इन लोगों ने पता है नहीं, लेकिन क्या है कि ये जातिवाद करते हैं। जातिवाद से क्या होता है, देश खोखला हो रहा है हमारा। जैसे एक घर में भाई भाई में आपस में लड़ाई होती है, फिर वो कोर्ट पहुंच जाते हैं, कोर्ट पहुंच के जिए आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो ऐसे हमारे हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है। मोदी जी ने कहा था हम रोज़गार देंगे, हम युवाओं को कोई रोज़गार नहीं मिला है अब तक, तो मेरा कहना यही है मैं वोट वहीं दूंगा जहाँ मेरे को रोज़गार मिलेगा। जब कांग्रेस का सरकार था तब सब घर में रोज़गार था, सब सही था। जब गरीबों की बात रख लो, अब पहले गरीब 100 रुपये का राशन 2 दिन चलाता था, अब गरीब 100 रुपये का राशन 1 दिन नहीं चला पाता है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, इस बार तो हम मोदी जी को नहीं जिता रहे हैं। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये धर्मपुर विधानसभा का विकास है, आप इसे आप दिखाइए, गड्ढों में इतनी सरकार है, इसे दिखाइए, आप सबको दिखाइए इसको, ये देखिए, ये 2 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ, समझिए, इसको दिखाइए। और कहते हैं हमने इतना विकास करा और पैसा पैसा खा गए, हमारी गली 14 लाख रुपए खा गए सरकारी जमीन का, ये कर रहे हैं। जब तक कांग्रेस की सरकार रही ना, पूरे 5 साल हर आदमी पर रोजगार था, हर आदमी खुश था, सिलेंडर 400 कुछ रुपए का था, आज सिलेंडर है 1000 का। हर चीज़ इतनी महंगी होती जा रही है, गृहणी के अगर 2000 रुपये में रसोई चलती थी, आज भी 20000 में नहीं चलती। इनकम उसकी अगर 400 की दिहाड़ी थी, वो पूरे 30 दिन काम करता था, वो अगर 30 दिन का, आज वो 15 दिन काम करता था, दिहाड़ी है उसकी 200 रुपये। हर चीज महंगी, कुछ ले लो आप। देहरादून से देवभूमि न्यूज के लिए अरुण सैनी की रिपोर्ट।